और भाइयों बहनों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि डालीगंज की सरकार आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी खुशहाली के लिए और बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि डालीगंज की सरकार ने जैसे अब तक विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, ये निरंतर बना रहे जिससे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल सके। उसी अभियान के क्रम में आज पश्चिमी क्षेत्र के सम्मेलन में जागरूकता के अभियान के क्रम में हम सब आपके बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं मोदी जी के लिए हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आधार है, समाज के आधार है, राष्ट्र की आधारशिला है। अगर आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी तो राष्ट्र का भवन भी अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी योजनाओं का आधार बिंदु व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित और समाज का वह तबका, मुसर है, बनवासी है या फिर उस समाज का वो व्यक्ति जो अब तक योजनाओं से पूरी तरह वंचित रहा है, उसे केंद्र में रख करके उसको फोकस करते हुए योजनाएं बनाई गई, उन तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज उन्हें शासन की योजनाओं में हक मिल रहा है, आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, आज व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, आज उन्हें समाज में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। आज भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है। पहले आपने देखा होगा हम 26 जनवरी के आयोजन को संविधान अंगीकार करने के दिवस के रूप में तो मनाते थे, लेकिन कभी जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में साइन करके इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और निर्माण का कार्य पूरा